हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार अपडेट है। सशस्त्र सीमा बल SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2021 ने काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज़ की है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। इसकी जो एडवर्टीजमेंट डेट है वो 10th ऑफ जुलाई से शुरू हो चुकी है। स्टार्टिंग डेट 24th ऑफ जुलाई ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट जो बताई गई है वो 22 यानी 22 अगस्त 2021 बताई गई। उससे पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और फ़ी पेमेंट जो है वो 22 अगस्त है। एग्ज़ाम डेट वो आगे बताई जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ रहेगी, ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। SC ST PH और फीमेल, इनको फ़ीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम देखते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें जो पोस्ट आई है इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 47 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और EWS के लिए 11 पोस्टें रिलीज हुई हैं और OBC के लिए 26, SC के लिए 21 और ST के लिए 10। टोटल जो है 115 पोस्ट रिलीज़ हुई है। अनरिजर्व EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। उन लोगों के लिए 10% वैकेंसीज जो है वो रिजर्व रहेंगी। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पे स्केल आपकी रहेगी, 25,500 से लेकर 81,100 पर मंथ रहेगी हेड कांस्टेबल की बेसिक पे। और इसमें आपको अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इससे काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी बन सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर या फिर हिंदी टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ये रहेगा आप लोगों के लिए। एज लिमिट जो है 18 to 25 years बताई गई है इसमें और एज रिलैक्सेशन जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल रहेगी। द क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन एज एंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अबव पोस्ट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो इसमें आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा 100 रुपीज़, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। और अप्लाई कैसे करना है तो पार्ट फर्स्ट में आपको पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल है, नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, वेदर कैंडिडेट बिलोंग्स टू अ स्पेशल कम्युनिटी और नॉट, वेदर अफेक्टेड इन 1984 राइट्स, वेदर अफेक्टेड इन 2002 कम्युनल राइट्स ऑफ गुजरात, वेदर एक्स सर्विस मैन, वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, आधार नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, क्रिमिनल केसेस, डिक्लेरेशन, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। पार्ट सेकंड की बात करें तो इसमें अपलोड फ़ोटो करनी है और सिग्नेचर करनी है। इसमें तो कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट विच मस्ट बी लेस देन 12 KB एंड ग्रेटर देन 4 KB ऑफ रेजोल्यूशन, 100 पिक्सल विड्थ बाई 120 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। अपलोड सिग्नेचर इसकी भी 12 KB होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 KB, रिजोल्यूशन 140 पिक्सल होनी चाहिए, विड्थ 60 पिक्सल, हाइट होनी चाहिए। नोट में इसमें बताई गई है, वंस फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर आर अपलोडेड, अपलोड बटन इज टू बी प्रेस्ड, वंस अपलोडिंग प्रोसेस इज डन सक्सेसफुली देन अ पेज विल पोस्ट अप्लाइड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। द कैंडिडेट विल हैव टू नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर और टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो वहाँ पर आपको स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लेना है। ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ पे जनरेटिंग इन सॉफ्टवेयर टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। पार्ट थर्ड में जो है मोड ऑफ पेमेंट रहेगा आपका, प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर रहेगी, रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट यानी PETN, फिजिकली स्टैंडर्ड PST, ये सारी कंडक्ट की जाएंगी। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए है और 100 मीटर रेस इन 4 मिनट रहेगी। एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में एक्स सर्विसमैन के लिए छूट रहेगी यहाँ पे उन लोगों के लिए। और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट जो है इसमें हेड कांस्टेबल फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैंडिडेट मेंशनड एट सीरियल नंबर 2nd एंड 3rd
मेल 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 155। चेस्ट जो है वो 77 मैक्सिमम मिनिमम एक्सपेंशन 5 फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। फॉर ग्रवालिस, कोमानिस, वॉरहॉर्स, डोगरास, मराठास, इन लोगों के लिए 162.5 होनी चाहिए हाइट और मिनिमम 77 चेस्ट, और मैक्सिमम जो है मिनिमम और मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 होनी चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, उन लोगों के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए और फीमेल 150, मिनिमम 76 और मिनिमम एक्सपेंशन 5 होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होंगे आप लोगों के, फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगी, उसमें 50% फॉर जनरल, EWS, OBC एंड एक्स सर्विसमैन, 45% फॉर ST एंड ST। फिर वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बताई गई है। उसके बाद आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट होगी, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद आप लोगों के फाइनल रिजल्ट जो है वो लिस्ट बनाकर बताई जाएगी, इस बेसिस पे आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, उससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट की जो है वो न्यूज़ मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।